गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, कल मैंने आप लोगों को इंग्लिश में चैप्टर 3 रीड करवाया था। चैप्टर 3 सुहानीज पेरेंट्स विजिट हर स्कूल, और उसमें मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, 1 पेज रीड करवाया था। सुहानी अपने स्कूल जाती है अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, और वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को अपना पूरा स्कूल दिखाती है। और स्कूल कैसे दिखाती है, वो अपने स्कूल की हर रूम, जैसे डांसिंग रूम है और किड्स कॉर्नर है, और उसने जहाँ पर वो लाइब्रेरी वगैरह है, ये सब वो अपने पेरेंट्स को दिखाती है। अब हम इसके आगे रीड करेंगे। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 38 ओपन करिए। पेज नंबर 38 आप ओपन करिए। सुहानी ऑल्सो शोड देम द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम एंड द कंप्यूटर लैब। सुहानी अपने पेरेंट्स को आर्ट एंड क्राफ्ट रूम और कंप्यूटर लैब दिखाती है। शी वॉज एक्साइटेड शोइंग एवरी कॉर्नर ऑफ हर स्कूल टू हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को अपने स्कूल का हर कोना दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। बहुत एक्साइटेड यानी कि बहुत उत्तेजित थी और वो खुश थी। एज दे केम नियर सुहानीज क्लासरूम दे कुड हियर द एक्साइटेड चैटर ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे ही वो अपने क्लासरूम के पास गई तो वहाँ से उसने क्लास में से बच्चों के शोर की आवाज़ सुनी। वो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर शोर कर रहे थे, बातचीत आपस में कर रहे थे। दे हैड ऑल्सो कम अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग। वो सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आए थे। सुहानी एंटर्ड द क्लासरूम। सुहानी ने क्लासरूम में एंटर किया यानी कि वो क्लासरूम के अंदर गई। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उसने शी सेड। उसने क्या कहा, पहले उसने टीचर को बोला गुड मॉर्निंग, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोला। वेलकम सुहानी एंड योर पेरेंट्स सेड सुहानीज टीचर। सुहानी की टीचर ने कहा, सुहानी तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का वेलकम है। वेलकम माने क्या होता है, यानी कि स्वागत है। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट वर्क मेड बाय द चिल्ड्रन हैड बीन डिस्प्लेड ऑन द वॉल। सुंदर सुंदर पेंटिंग और क्राफ्ट की चीज़ें जो कि बच्चों ने ही बनाई थी, वहाँ पर उसकी क्लास में डिस्प्लेड यानी कि वहाँ पर उसकी क्लास में वो सब लगी हुई थी। इट वॉज अ वेल लिट रूम विद शेल्फ इन अ कॉर्नर वेयर स्कूल बैग्स कुड बी नीटली कैप्ट। और उसका जो क्लासरूम था वो बहुत वेल था यानी कि बहुत अच्छा था, और उसके क्लासरूम के साइड में एक शेल्फ भी था। क्लासरूम के जैसे कॉर्नर में एक शेल्फ था जो कि बहुत अच्छा था, और बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं वो वहाँ पर रखे हुए थे, यानी कि बच्चे वहाँ पर अपने स्कूल बैग रखते थे, और वो नीट एंड क्लीन था एकदम। बाय सुहानी, बाय रीटा, बाय एवरीवन, सी यू आफ्टर द हॉलीडेज सेड द चिल्ड्रन टू ईच अदर। बच्चे आपस में एक दूसरे को बाय कर रहे थे, और एक दूसरे को उन्होंने क्या कहा कि हॉलीडेज़ के बाद हम एक दूसरे को देखेंगे और मिलेंगे। ऑन द वे आउट सुहानी शोड हर पेरेंट्स द ह्यूज ऑडिटोरियम विद अ बिग स्टेज। और उसी बाहर जब वो निकली तो रास्ते में उसने अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम दिखाया। ऑडिटोरियम यानी कि अ बिग असेंबली हॉल, एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल जहाँ पर कि असेंबली भी हो सकती है और बच्चों के प्रोग्राम्स भी वहाँ होते हैं, और विद अ बिग स्टेज, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेज भी बनी हुई थी जहाँ बच्चे प्रोग्राम करते थे। हेयर वी हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक पोइट्री रिसाइटेशन
सिंगिंग, डांसिंग, और वो वहाँ पर बच्चे क्या प्रोग्राम करते थे, पोइट्री रिसाइटेशन, यानी कि पोएम का जो प्रोग्राम, जैसे कविता सुनाना या सिंगिंग, गाना, डांसिंग, डांस की क्लास और एंड प्लेज और खेल भी वहाँ पर होते थे. शी सेड शी शोड हर पेरेंट्स द बिग स्विमिंग पूल एंड प्ले ग्राउंड्स फॉर गेम्स लाइक बास्केटबॉल, टेनिस एक्सेट्रा. अब उसने अपने पेरेंट्स को क्या दिखाया, एक बड़ा स्विमिंग पूल और एक प्ले ग्राउंड्स जो जहाँ पर कि गेम्स होते थे. कौन से गेम्स होते थे वहाँ, बास्केटबॉल और टेनिस, टेनिस वगैरह एक्सेट्रा मतलब वगैरह. नेक्स्ट वॉज द ओपन प्ले ग्राउंड एंड देन द स्कूल कैफेटेरिया. और अगली चीज़ उसने क्या दिखाई, ओपन प्ले ग्राउंड, खुला हुआ प्ले ग्राउंड. पहले उसने क्या दिखाया था, उसने प्ले ग्राउंड्स दिखाए थे जहाँ पर बास्केटबॉल और टेनिस खेला जाता था. बास्केटबॉल और टेनिस कहाँ पर खेले जाते हैं, वो ओपन प्ले ग्राउंड नहीं होता है, है ना. तो बास्केटबॉल और टेनिस के प्ले ग्राउंड अलग थे. उसके बाद उसने एक ओपन प्ले ग्राउंड दिखाया और उसके प्ले ग्राउंड के साथ उसने क्या दिखाया, एंड देन द स्कूल कैफेटेरिया, और स्कूल का कैफेटेरिया उसने दिखाया. कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन, स्कूल में कैंटीन होती है, तो वो भी उसने वहाँ पर अपने पेरेंट्स को दिखाई. इट वॉज नीट एंड क्लीन, वो बहुत साफ सुथरी थी. देयर वॉज अ सिक रूम नियर द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया के पास एक सिक रूम था. सिक रूम यानी कि जहाँ पर बीमार लोगों को लिटाया जाता है. जैसे स्कूल में अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, उसको फीवर आ जाए या उसको कहीं दर्द हो, तो हम जैसे आपके स्कूल में भी नीचे क्लास में लिटा देते हैं बच्चे को, ऐसे ही वहाँ पर भी एक ऐसे ही सिक रूम था जिसमें कि बच्चों को इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था. हाउ लकी आई एम, एक्सक्लेम्ड सुहानी एज दे वर ड्राइविंग बैक होम. जब वो ड्राइविंग करके अपने घर वापस जा रहे थे तो सुहानी ने एकदम एक्सक्लेम्ड होकर, यानी कि बहुत बहुत उत्साहित होकर बोला कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ. थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा फॉर सेंडिंग मी टू दिस वंडरफुल स्कूल. उसने अपनी मम्माओं का थैंक यू मम्मा एंड थैंक यू पापा मुझे इस वंडरफुल स्कूल में भेजने के लिए. वो इतनी खुश थी कि उसने अपने मम्मी पापा का थैंक यू किया. हर फादर टर्न्ड अराउंड विद अ ट्विंकल इन हिज आईज एंड सेड. उसके फादर, उसके पापा ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी आंखों में एकदम चमक लाते हुए बोले, द बेस्ट स्कूल फॉर द बेस्ट चाइल्ड लाइक यू. तो उसके पापा ने क्या कहा कि ये बेस्ट स्कूल यानी कि बहुत अच्छा स्कूल अच्छे बच्चे के लिए है, अच्छा लाइक यू जैसे कि तुम. तो उसके पापा ने उसको क्या कहा कि जैसे तुम एक अच्छी बच्ची हो, अच्छे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, वो उनको लगा. और उसने अपने उसके पापा ने सुहानी से कहा कि तुम अच्छी बच्ची हो, इसलिए हमने तुम्हें अच्छे स्कूल में डाला. बच्चों अब ये आप देखो कि इसमें जितने भी ये रेड कलर में जो वर्ड्स हैं वो सभी आपके हार्ड वर्ड होंगे, ठीक है. और उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे डिस्प्लेड, पोइट्री, ये और रिसाइटेशन, ये भी आपके हार्ड वर्ड में आएंगे. प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल, टर्न, ओके. आप अपना ये चैप्टर अच्छे से रीड करिए, मैं कल इसके हार्ड वर्ड आपको लिखवाऊंगी.